हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त हर्षद। मैं हूँ आदर्श। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अल्टो एलेक्सा ओल्ड मॉडल का पार्सल ट्रे कैसे इंस्टॉल करते हैं और ये आपको कहाँ से मिल सकता है। जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। ये है मेरा रियर पार्सल ट्रे जो कि बॉक्स पैकिंग है। यह मैंने खरीदा है मेरे नज़दीकी मारुति एसेसरी डीलर से। यह मुझे बहुत ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से मिला है। तो आप देख सकते हैं इस पे मारुति सुजुकी कंपनी ने पार्ट नंबर और MRP मेंशन किया है। इसका पार्ट नंबर है 9900M99741 और इसकी MRP है 1390 रुपये। तो दोस्तों, आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये आपको सिर्फ आपके नज़दीकी मारुति डीलर के पास मिलेगा। अगर नहीं मिल जाता तो ये आपको बुडमो पे ऑनलाइन ज़रूर मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वैसे आपको मार्केट में वुडन के बहुत सारे पार्सल ट्रे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंपनी जैसी फिटिंग यहाँ पर नहीं मिलेगी और इसका मटेरियल क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। तो ये पार्सल ट्रे आपकी अल्टो ओल्ड मॉडल के लिए अल्टो एलेक्स, अल्टो एलेक्साई, अल्टो VXI और अल्टो STD कार टाइप 1 और कार टाइप 2 ये सभी मॉडल को मैच करेगी। तो मैंने इसके स्पीकर के साइज के हिसाब से उसकी कटिंग करके दोनों स्पीकर अच्छे से सेट कर दिए हैं। तो अभी इसको डिक्की में दोनों साइड के ब्रैकेट लगाकर उसको फिटिंग करना बाकी है। यह है इसका एक साइड का ब्रैकेट और दूसरे साइड का ब्रैकेट मैंने ऑलरेडी फिट कर लिया है। अब इसको कैसे लगाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये बड़े वाले ब्रैकेट के दो सेट मिल जाते हैं। उसके बाद में ये ब्लैक कलर का है, उसको भी आपको इनर ब्रैकेट के दो सेट मिल जाते हैं। इसके बाद में सबसे छोटा वाला व्हाइट कलर का है, ये स्क्रू नॉब है, इसको भी आपके दो सेट मिल जाते हैं। इसके साथ आपको 6 स्क्रू का सेट मिल जाता है। तो पहले ये व्हाइट कलर का स्क्रू नॉब को आपको यहाँ पे लगा देना है। आपको यहाँ पे कंपनी होल मिल जाएंगे, आपको कहीं पे एक्स्ट्रा होल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्लैक कलर का इनर ब्रैकेट जो कि आपको यहाँ पे लगाना है, तो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ कंपनी होल किस तरह से मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ ऊपर के मटेरियल को होल के हिसाब से कट कर लिया है। तो आप इस इनर ब्रैकेट को यहाँ पे अच्छी तरह लगा देना। उसके बाद में यहाँ पे उसको थोड़ा प्रेस करके लगा देते हैं हम। इसके बाद में यहाँ पे लगा देंगे हम इसका स्क्रू। तो इस स्क्रू को हम अब पूरी तरह से फिट कर देंगे। देखिए अभी ये हो गया पूरी तरह से फिट। उसके बाद में हम यहाँ का बड़ा वाला ब्रैकेट है जो कि हम इनर ब्रैकेट के ऊपर से यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ वाला जो स्क्रू है तो वो इनर ब्रैकेट में जाके फिट हो जाता है। तो हम अभी इसको भी पूरी तरह से फिट कर देंगे। तो चलते हैं, हमने जब पहले नॉब लगाया था तो उसमें भी हम एक स्क्रू फिट कर देते हैं। तो हम अभी इसको भी पूरी तरह से फिट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये दोनों साइड के दोनों ब्रैकेट फिट कर लिया है। अभी सिर्फ इस पे अपना पार्सल ट्रे ब्रैकेट में सेट करके रख देना है। तो अभी हम इस पे सेट करेंगे अपना पार्सल ट्रे। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के पिछले वाले हिस्से में हमारा ट्रे लॉक कर देंगे। पीछे से ये दोनों साइड से लॉक हो गया है। आगे वाले साइड को हम
उसी तरह से ब्रैकेट में कर देंगे इसको लॉक। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा पार्सल ट्रे इंस्टॉल हो चुका है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।